अस्सलाम वालेकुम वशद के, वेलकम टू न्यू व्लॉग। हाँ व्लॉग भी नहीं करने देते। हेलो बकरी, संभाल के। अभी मैं सांस ले पा रही हूँ। इतने गटर क्यों हैं? अस्सलाम वालेकुम वशद के, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत 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 ठीक होंगे। तो वेलकम टू माई ब्रांड न्यू व्लॉग। मैं नकाब पहन लेती हूँ, नकाब के मास्क लगा लेती हूँ क्योंकि मैं रश में जा रही हूँ। तो वैसे तो अभी जो है, अल्लाह इस हीट कितनी टूटी फूटी है। वैसे तो अभी इतने केसेस नहीं है लेकिन फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए, तो मास्क हमेशा पहनो। आप सबको पता है कि मैं नॉर्मली घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन आज मैं निकली हूँ क्योंकि मुझे काम, इसलिए मैं निकली हूँ, वरना काम नहीं होता तो मैं नहीं निकलती। सीधी सीट जो है ना, मुझे कोई झूला झूल रही है आगे पीछे। अरे कहाँ से ठीक होती है? यहाँ से ओए, ओए। कहीं से ठीक होती होगी ना इसका। हाँ लॉक लग गया। वो इफ्तिकार है। हेलो इफ्तिकार, कितनी अच्छी गाड़ी थी। कौन सी गाड़ी थी ये? पासो मेरे कजिन की पास की है। अच्छा तो मुझे व्लॉग स्टार्ट करने दो। बेसिकली कुछ साल पहले मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की थी, इसका नाम है बाइट्स फॉर ऑल। पाप वॉइस है, बाइट्स फॉर ऑल है। कुछ साल पहले मैंने एक ट्रेनिंग ली थी जो थी बाइट्स फॉर ऑल की तरफ से। हम उनके लिए छोटी छोटी सी रिपोर्ट्स बनाते हैं ग्वादर के हवाले से, कोई इवेंट हो रहा होता है कुछ भी टॉपिक पे ग्वादर रिलेटेड जो है, हम छोटी छोटी सी एक मिनट की रिपोर्ट्स बनाते हैं उनकी, जो बाइट्स फॉर ऑल के लिए हम रिपोर्ट्स बनाते हैं जो कम से कम एक मिनट की होती है। कि लिंक जो है मैं आपको दे दूंगी ताकि आप देख ले। मैंने भी उनके लिए काफी सारी रिपोर्ट्स बनाई हैं। तो उनकी अक्सर कुछ कैंपेन्स होती है। लास्ट टाइम हमने ना इलेक्शन के हवाले से की थी, जिसमें हम एक चार्ट पकड़ के हाथ में फोटो लेते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते हैं। इसी तरह एक और न्यू कैंपेन है जो हमने एक और चार्ट पकड़ के पिक्चर खिंचवानी है, उनको सेंड करनी है ताकि वो अपने पेजेस पे अपलोड कर सकें। वो बेसिकली है कि हम नफरत नहीं फैलाते। इसी के लिए हम जा रहे हैं, हम चार्ट खरीदेंगे, हम स्टेशनरी शॉप जाएंगे, वहाँ से हम चार्ट लेंगे, मार्कर लेंगे, फिर तो हम फोटो खिंचवाएंगे। रोशनी स्टेशनरी शॉप, ये क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है, तो अभी हम लोकेशन ढूंढ रहे हैं और हमने जो है ये चार्ट ले लिए हैं। मैं लिखूंगी मोहब्बत तुमसे नफरत है और फिर सेंड करूंगी और फिर वो मुझे ब्लॉक कर देंगे। वो तो जा रहे अच्छे से लोकेशन ढूंढने जहाँ पर रश नहीं हो। भाई रश में तो मैं नहीं कर सकती ये फोटोशूट वगैरह। जब से ग्वादर में विंटर्स आए हैं होता है, जब से ग्वादर में सर्दियों का मौसम स्टार्ट हुआ है, मैं दिन में बिल्कुल नहीं निकली हूँ। मतलब एक पूरा महीना जो है मैं सिर्फ रात में निकलती थी। मुझे अगर कोई काम होता था, किसी शॉप पर जाना होता था, मैं दिन में नहीं निकली। आज मैं दिन में निकली हूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि दिन में तो ठंडी है ही नहीं ग्वादर में। ठंडी क्या है दिन में निकलो कि आग गिर रही होगी आप पे। ठंडी नहीं है ग्वादर में, ठंड जो होती है सिर्फ रात में होती है। और वो भी अगर आप थोड़े एक्टिव नहीं हो, सारा दिन पलंग पे पड़े हुए हो मेरी तरह, तो आपको ठंडी लगेगी। वैसे एक्टिव लोगों को ठंडी लगती है। यहाँ की ठंड इतनी नहीं है, बस स्टार्टिंग के कुछ दिन इतनी ठंडी थी, उफ़ मैं क्या बताऊँ। मुझे लगा क्वेटा की ठंडी आ गई है, लेकिन अभी ठीक है मौसम। मुझे यही मौसम पसंद है, मैं चाहती हूँ यही मौसम रहे। अभी हम रेगिस्तान में आए हैं। ग्वादर में एक आदित्य रेगिस्तान भी है जो थोड़ा सिटी से बाहर की तरफ आता है। यहाँ पर आग लगी है, कचरे जलाते हैं यहाँ पर। अच्छा मुझे तो पता नहीं था कचरे भी जलाते हैं। क्या हो गया, गाड़ी क्यों जा रही है खुद ब खुद? हमारी गाड़ी में भी चार्ज है ना। क्या लिखे इस पे बताओ, क्या लिखे? मेरे पास है मार्कर, ये लो। दो औरतें आ रही सामने से, नहीं जिन तो नहीं है, इंतहार है। वैसे जिन नहीं होते। तुम्हें नफरत से नफरत है, हम लिखना तुम्हें नफरत से नफरत है। मैं क्या लिखूं,
आ रही हूँ मैं। मेरा चार्ट नहीं दिख रहा, उर्दू नहीं लिखने आते, नीचे वाला चार्ट है ना, उस पर निशान पड़ जाएंगे। अच्छा जी, मुझे नफरत से नफरत है। से कितना बड़ा नहीं हो गया? अरे बाल मगरे। मैं अपना चार्ट लिख रही हूँ, चार्ट क्या लिख रही हूँ, चार्ट पर लिख रही हूँ, लिखूंगी आई डोंट फॉरवर्ड हेट। I don't forward hate. Okay. मैंने इस चार्ट के साथ जो है अपनी फोटो ले ली है। इस मास्क में बिल्कुल मैं सांस नहीं ले पाती, पता नहीं क्यों। अरे कितनी हवा इधर, इसकी फोटो ली है। अच्छा एक मैंने फोटो यहाँ पर ली है रेगिस्तान में, और एक हम दूसरी लोकेशन में भी लेंगे। अभी जो हमको अच्छी लगेगी फिर वो हम फॉरवर्ड करेंगे, अच्छी लगेगी वो हम फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन हम हेट फॉरवर्ड नहीं करते। ओके। मेरी पिक्चर्स तो मैंने ले ली, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि ये जो हमने लिखे हैं ना ये बहुत हल्के हल्के हैं। अब इनको थोड़ा डार्क करते हैं। अब मैं गाड़ी में चलते चलते कैसे डार्क करूंगी? लगता है हम खो गए, क्योंकि हम रेगिस्तान में फोटो खींचने आए थे और यहाँ पर हम लगता है गलती से दुबई पहुँच गए। अच्छे टिश्यू का डब्बा कब काम आएगा? आज तो काम आ जाए। मैं ना बेस्ट चीज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा अरे फिर भी एफ का सारा रह गया फाइनली। चलो अभी हम समंदर के पास, नीचे समंदर है, यहाँ आए थे। मुझे अपनी यहाँ की फोटो ज्यादा अच्छी लगी बनिस्बत रेगिस्तान से, तो रेगिस्तान वाली फोटो तो मैं नहीं दूंगी, ये वाली दूंगी। इंशाल्लाह उनको अच्छी लगेगी, इंशाल्लाह उनको मेरी पिक्चर अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत ही जबरदस्त लोकेशन। और ये बस मुझे उर्दू में लिखने में थोड़ी दिक्कत है ना, मैं क्या करूँ, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे लिखना भूल जाती हूँ। मीम समझ नहीं आता, मीम का सर ऊपर करना है कि नीचे करना है, तो बस मसला है मेरे साथ। तो मैंने इसलिए सारे मुझे 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 नफरत नफरत लिखना आता था, मुझे लिखने में तकलीफ होती थी। अभी हम घर चलेंगे भाई, बस बहुत गर्मी है।